सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड डेट शीट के बारे में। यूपी बोर्ड ने अपना डेट शीट रिलीज़ कर दिया है। बहुत सारे बच्चे अभी तक टेंशन ले रहे थे कि बोर्ड ने डेट शीट रिलीज़ नहीं करा है, पता नहीं एग्ज़ाम्स कब से होंगे, अप्रैल में होंगे, मार्च में होंगे, कब से होंगे। बहुत ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चंस थे, बट अब बोर्ड ने जो है डेट शीट रिलीज़ कर दिया है। ये देखो, मैं upmsp.edu.in पे यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, मॉडल्स, पेपर्स वगैरह। अगर आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे बेटा, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो परीक्षा वर्ष 2022 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के समय सारणी। तो इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ना हम डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इसमें बात करते हैं। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, देन हम एक एक करके बात करते हैं कि कब से आपके एग्जाम्स हैं, है ना। इसको ओपन भी कर लेते हैं। देखो, रुक जाओ, इसको ना दूसरे उसमें आप ओपन करते, ताकि थोड़ा सा मैं इसमें लिख भी सकूं। इसको ओपन कर लेते हैं। एक मिनट देना मुझे बस। यस, देखिए ये डेट शीट हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अब ड्रॉ करने का भी होगा मेरे पास। देखो, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, है ना, वर्ष 2022 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा का कार्यक्रम, ठीक है ना। दिवस और दिनांक दे रखा है। देखिए, बृहस्पतिवार 24 मार्च 2022 को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जो है स्टार्ट हो रही है। हाई स्कूल में आपका हिंदी है और प्रारंभिक हिंदी का एग्जाम है, इंटरमीडिएट में आपका सैन्य विज्ञान का एग्जाम है, ठीक ना। ये आपका प्रातः 8 बजे से 11 बजे का है, ठीक है। और उसके बाद एक आपका सेशन है 2 बजे से लेके 5:15 तक, ठीक है ना, जिसमें हाई स्कूल का कोई एग्जाम नहीं है, बट इंटरमीडिएट में आपका हिंदी और सामान्य हिंदी का एग्जाम है, ठीक है। तो एग्जाम दो पालियों में हो रहा है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट आपका 8 से 11:15 का है और इवनिंग शिफ्ट शिफ्ट जो है वो आपका 2 से 5:15 का है, ठीक है ना। शुक्रवार 25 मार्च को अगर हम देखेंगे तो हाई स्कूल में आपका फारसी अरबी का है और इसमें कुछ है ही नहीं वैसे मेन सब्जेक्ट में। क्लास 12th में कुछ एग्जाम नहीं है। मेन मेन सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, कब कौन सा एग्जाम्स है। देखो, शनिवार को 26 मार्च को जो है हाई स्कूल के गृह विज्ञान के एग्जाम है और इसमें अगर हम बात करेंगे तो लेखा शास्त्र है, बही खाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट में इवनिंग शिफ्ट में सोमवार 28 मार्च को अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे चित्रकला है, ड्राइंग का एग्जाम है, कंप्यूटर का सेकंड शिफ्ट में। और क्लास 12th में है भूगोल का एग्जाम है, ठीक है, भूगोल का एग्जाम है और इसमें व्यवसाय अध्ययन है, वाणिज्य वर्ग के लिए होता है ये, और गृह विज्ञान का एग्जाम भी है सेकंड शिफ्ट के अंदर। अगर हम बात करें मंगलवार 29 मार्च को तो हाई स्कूल में आपका संस्कृत का एग्जाम है, इसमें आपका अर्थशास्त्र है, ठीक है ना। वाणिज्य वर्ग के लिए अभी तक साइंस स्ट्रीम का एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ, हिंदी के अलावा अगर हम बात करेंगे तो अभी तक नहीं आया है, ठीक है ना। और उसके बाद बुधवार 30 मार्च को आपका अंग्रेजी नया पाठ्यक्रम और अंग्रेजी पुराना पाठ्यक्रम ना, अंग्रेजी का एग्जाम है क्लास 12th के अंदर, है ना। और 31 मार्च 2022 को आपका 10th में कृषि विज्ञान है और बाकी कोई मेजर सब्जेक्ट इसमें है नहीं, और 12th में है गणित है, ठीक ना। किसके हैं? गणित और प्रारंभिक संख्या के पुराना पाठ्यक्रम वाणिज्य वर्ग के लिए, ठीक है। और उसी सेकेंड शिफ्ट में आपका इतिहास का एग्जाम है, जो आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए एग्जाम जो होगा यहाँ पे इतिहास का रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे 1 अप्रैल में आपका कोई एग्जाम है यहाँ पे बेसिकली है नहीं, ठीक है ना, कोई मेजर एग्जाम है नहीं। बट अगर हम बात करें 4 अप्रैल सोमवार को आपका विज्ञान का एग्जाम है, ठीक ना, आपका विज्ञान का एग्जाम यहाँ पे है। और क्लास 12th में जीव विज्ञान एंड मैथमेटिक्स गणित का एग्जाम है, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का एग्जाम है। तो अच्छा खासा यहाँ पे आपका एक गैप मिला है प्रिपरेशंस करने के लिए। एंड 6 मार्च को आप सॉरी 6 अप्रैल को आपका अंग्रेजी नया पाठ्यक्रम और अंग्रेजी पुराना पाठ्यक्रम का एग्जाम है और क्लास 12th में आपका कोई एग्जाम है नहीं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे
7 अप्रैल को, तो करीब आपका भौतिक विज्ञान का एग्जाम है साइंस वर्ग में, और आर्ट्स वर्ग में या कॉमर्स में आपका अर्थशास्त्र का एग्जाम है सेकंड पाली के अंदर, और फर्स्ट पाली में कोई एग्जाम नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर आप बात करें गणित और इसके बीच में आपका करीब 3 दिन का गैप है, 3 दिन का गैप में आप भौतिक विज्ञान के प्रिपरेशंस कर सकते हैं। सही है, अच्छा खासा गैप है 3 दिन का, इसमें आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 9 अप्रैल शनिवार को क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है, और क्लास 12th में अगर हम बात करेंगे तो इसमें संस्कृत का एग्जाम है आर्ट्स वालों के लिए, कृषि गणित का एग्जाम है। ठीक, और 11 अप्रैल सोमवार का दिन है, इसमें भी आपका मेजर कोई एग्जाम है ही नहीं क्लास 10th में, और ये क्लास 12th के एग्जाम्स है तो ये मेजर भी नहीं आते, ये माइनस में आते हैं। ठीक है, हाँ रसायन विज्ञान का एग्जाम है। ठीक है, 9 अप्रैल को, कब बेटा, सॉरी 11 अप्रैल को सोमवार है, और 11 अप्रैल को जो है आपका रसायन विज्ञान का एग्जाम है सेकंड पाली के अंदर, और समाजशास्त्र का एग्जाम है। ठीक है, 12 अप्रैल क्लास 12 10th में आपका मैथमेटिक्स का मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम है, और यहाँ पे देखेंगे तो नागरिक शास्त्र का एग्जाम है। तो ये एग्जाम आपके करीब कब खत्म हो रहे हैं बेटा, 12 अप्रैल को आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, 12 अप्रैल को एग्जाम आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एग्जाम नागरिक शास्त्र का है, और साइंस में 11 अप्रैल को आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, 11 अप्रैल को आपका रसायन विज्ञान का है। तो आप एक बार डेट नोट कर लेंगे, 11 अप्रैल को रसायन विज्ञान का है, और इसके अलावा देखेंगे 11 के बाद 7 अप्रैल को आपका भौतिक विज्ञान का एग्जाम है। ठीक ना, उसका 4 अप्रैल को आपका गणित और जीव विज्ञान का एग्जाम है। ठीक है, और इसके बाद 30 मार्च को आपका अंग्रेजी का एग्जाम है, 30 मार्च को अंग्रेजी का है, और करीब 24 मार्च को आपका हिंदी का एग्जाम है, ये मेजर सब्जेक्ट के एग्जाम्स हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 24 मार्च से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, और कब खत्म होंगे बेटा, आपके एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, उसके बाद फिर आपके कॉपी करेक्शंस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और ये जो टाइम टेबल है ये यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या टाइम टेबल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।